आओ बच्चों सैर कराएं तुमको कराची की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और वेलकम करती हूँ आपका व्लॉग के चैनल पे। ये मैं जा रही हूँ आशियाना की तरफ। आशियाना क्लिफ्टन तीन तलवार के पास है और ये कुत्ते को कोई वाकई वाही आती है, इन्हें भोंकते ही रहना है। नेचर इज़ नेचर, बर्दाश्त करें, और अगर शोर शराबा है पीछे तो भी बर्दाश्त करें, क्या कर सकते हैं। ये है डिफेंस फेज़ टू का एरिया और वो वाले तमाम फेजेस जो क्लिफ्टन की तरफ जाते हैं। रिक्शा करवा लेती हूँ अब मैं, क्योंकि अब मेरी सेहत पे मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होता। आशियाना गई थी बेसिकली, मैंने कहा कोई नई वैरायटी वहाँ मिलेगी, तो स्वाइ टैंडाई के और कुछ पैचेस के मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे दो कुर्ती ली हैं, एक अपने लिए एक भाभी के लिए। मैंने कहा साथ में चिट्टी शलवारें पहन लेंगे हम लोग, चलो कोई मॉडर्न शॉडर्न के ला लें। यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है लेकिन रेट्स भी उतने माशाल्लाह हाई हैं चीज़ों के। कराची के बारोब एरियाज़ में से है ये। काफ़ी अच्छी शॉप्स भी थी, मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि एज सच गर्मियों का मौसम है ना, शादियों का सीज़न होता है तो फिर लॉट ऑफ वैराइटीज़ आर देयर। अच्छा, मेरे व्लॉग्स में आपको नज़र आएंगी ज़्यादातर शॉपिंग, क्योंकि घर की कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि मैं घर के अंदर कोई व्लॉगिंग करूँ। और मैं सीधी सी बात बताऊँ, कंडीशन बात की बात है, पहले हमारे पास होना चाहिए टाइम, जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बिल्कुल नहीं मिल रहा। और मेरे पीछे टीन डब्बे वाले को तो वाकई कोई ख़ास एलर्जी है मुझसे। यहाँ पे मैं पैचेस ले रही थी, मैंने कहा ड्रेस तो मिला नहीं, चलो पैच ले लेते हैं, अल्लाह ताला तेरे बाजे को और बजाए। पैचेस तो मैंने ले ली हैं, ड्रेस का कपड़ा अल्लाह देगा। बेसिकली मैं ड्रेस का कपड़ा यहाँ पर मैं लेने गई थी, मिला नहीं, मैंने कहा चलो पैचेस तो लूँ, कोई तो काम बनने। आई स्पेंट देयर 2 आवर्स और बाद में जब मैं बाहर निकली मैंने कहा मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया अपना। मेरे हिसाब से सिर्फ मुझे यही चीज़ें वहाँ से मिली और कुछ नहीं मिला। अच्छा, जब मैं ड्रेस स्टिच करूँगी ना तो भी मैं आपको दिखाऊँगी, बड़ी ईद से पहले पहले मुझे ये भेजना है। इर्द गिर्द ठुका ठुकी हुई हुई पड़ी है। अच्छा, पता है क्या, ब्लॉगिंग करते हुए जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ, माइक तो है मेरे पास लेकिन मैं ओपन एयर में करती हूँ, ताकि मेरे इर्द गिर्द जो हल्ला गुल्ला है ना वो सब आपको सुनने को मिले। ब्लॉगिंग का मतलब ही क्या है, देखें कि मुझे लोग कैसे तंग करते हैं। अच्छा, जब मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही होती है ना तब भी यही तमाशा लगा हुआ होता है। बच्चे कहते हैं क्लास में मिस आपकी तरफ से इतना शोर आ रहा है। मैंने कहा बेटा बर्दाश्त करो, अब क्या करें, ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में कभी तुम्हारी तरफ से शोर कभी मेरी तरफ से। कपड़े वहाँ से मिले नहीं मुझे, फिर मुझे आना पड़ा गोल्ड मार्क द ग्रेट। ये हर दफ़ा आके मैं खलारे मचवाती हूँ। यहाँ से मैंने लीलन की एक फ़्रॉक बनानी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कैसे बनाई है। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ फैब्रिक है, लेकिन पता नहीं क्यों ये चिकन देख देख के ना ये जैसे बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन ये सर्दी के मौसम में मेरे पहनने को दिल नहीं चाहता, गर्मी चाहते वैसे नहीं पा सकते, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। इतनी वैरायटी है ड्रेसेस की और मुझे वाकई नहीं कुछ समझ में आती। ये तीन जो ड्रेसेस दिख रहे हैं ना, ये मैंने लिए हैं बड़े अर्स के कपड़े अपने सूटों के लिए, कितने ठंडे ठंडे कलर्स हैं ना, गर्मियों में पहनूंगी इन्हें मैं, और अगर ये गर्मियों में सिल गए तो, वरना तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। इन्होंने ख़ुद ये प्रिंट करवाए हुए होते हैं फैसलाबाद से, बकौल इनके। इसका स्टफ मैं लेकर आई हूँ, पहले भी स्टिच किया, काफ़ी अच्छा निकला है। अच्छा जनाब, मेरे साथ हुई है कुछ टेंशन, जो मेरा असल में है चैनल, अल्लाह भला करे कौन सा ड्रेसिंग मेनिया जिसमें मैं स्टिचिंग सिखाती हूँ, वो मोनेटाइज हुआ हुआ 1 साल हो गया। फिर उसकी वो कोई पॉलिसीज़ होती हैं, उसका जो पिन कोड है ना उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। वो पिन कोड पाकिस्तान में नॉर्मल मेल के ज़रिए आता नहीं है, और इस दफ़ा मैंने एड्रेस चेंज किया था तो मुझे पोस्ट ऑफिस लग रहा था जाके, कुरंगी 2.5 नंबर वाला। अब कुरंगी के ये वो एरियाज़ हैं जहाँ ज़िंदगी में मैंने कभी चक्कर नहीं लगाया। अच्छा, बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था, हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते थे या हमारी दादी जान हमें लेके जाती थी बस के ज़रिए, तो मुझे एक सन्नाटा सा महसूस होता था, एक खालीपन सा, लेकिन अब काफ़ी भर गया है। लेकिन मुझे अभी भी वो देख के ना अजीब सा वो महसूस होता है, खौफ सा महसूस होता है उस एरिया से, गॉड नोस क्यों है। उर्दू स्पीकिंग लोग जो है, उर्दू स्पीकिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो हमें पंजाबी स्पीकिंग बोलते हैं इस वजह से, वरना है पाकिस्तानी, बहुत मुखलिस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैं पोस्ट ऑफिस गई, वहाँ पर सारे वही लोग हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाइस लोग हैं। मैं इनके बीच में काम करती रही हूँ, एक पठान आमना पठान और दूसरे उर्दू स्पीकिंग में सादिया अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे, ये व्लॉग देखेंगे ना तो हंसेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। तीसरी मैं पंजाबी, पंजाबी तो होते ही अच्छे हैं। ये देखें, मिट्टी सवा उड़ाते हुए हम पहुंच गए पोस्ट ऑफिस,
और जाके मैंने वहाँ से गई और निराश होकर वापस आई। मैं पिन कोड का बता रही हूँ आपको, मैंने 3 दफ़ा अप्लाई कर दिया है, मैंने पोस्टल एड्रेस भी चेंज करके देख लिया। हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुँचता वो प्रॉपर प्लेस के ऊपर, मुझे यही समझ में नहीं आ रही। एट वंस सैटरडे नाइट को मेरे उस चैनल पर ऐड आना बंद हुआ है, पूरी रात खपदी रही। रात के वक्त जाके 3:30 बजे गूगल वालों से मैंने की लाइव चैट जो होती है ना वही की। बहुत कोऑपरेटिव है गूगल वाले, बहुत। उन्होंने मेरी सारे मसले का हल ये निकाला है कि जब तक आपका पिन नहीं आएगा, आपने 3rd टाइम अप्लाई किया है, इसको 1 महीना इंतज़ार करें, इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, यही कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर हल ना निकले तो हम मौजूद हैं। मैंने कहा मुझे बताया मैं चैनल डिलीट कर दूँ, कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं। कितने अच्छे लोग हैं ना दुनिया में। और ये हम वापस आ रहे हैं, रिक्शा मैंने जाने और आने का करवाया था और मैं वापस की तरफ आ रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा चले मेरी प्रॉब्लम हो गई सॉर्ट आउट, थोड़े मुझे टेंशन को रिलीफ मिला है कि कोई नहीं होता है। अब देखें कराची में होने वाली बारिशें और ये गंदगी देख रहे हैं, ये सारे नालों की सफाई कर रहे हैं, मतलब ये मट्टी इसके अंदर आ जाती है समंदर की, ये देख रहे हैं ना। मकसद ये सर्दियाँ क्यों ऐसे गुजारी, पिछले साल जो इतनी बारिश हुई है क्यों इतना टाइम ज़ाया किया है, ये तब से करते। अभी बेचारे मज़दूरों को आगे देखेंगे वो ट्रक पे लोड भी कर रहे हैं, वो यानी उठा के साइड पे फेंक देते हैं। इसी की वजह से पानी रुकता है, कराची का बेड़ा गर्क होता है। असल में कराची का सिस्टम है ही नहीं बारिश के हिसाब से, और अब अल्लाह ताला ने बारिशें ऐसी बरसानी शुरू कर दी हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वाले वो एरियाज़ हैं जो ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखे, मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। और देखें यहाँ पे ये सफाई कर दी गई है, मिट्टी उठा दी गई है। तो जो लोग बोलते हैं ना कराची में गंदगी है, तो हर जगह पे है, हर जगह सफाई का ख्याल खुद रखना पड़ता है हर इंसान को। मुझे तो ये समझ में आती है प्लास्टिक के शॉप पर ये गंदगियाँ क्यों फेंकी जाती हैं। अब यहाँ पे मैं एक मज़े की चीज़ दिखा रही हूँ आपको, ये है ग्रीनरी नज़र आई ना कराची में, वो पोश एरिया यानी अमीरों का एरिया। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, एक ही पट्टी के इस तरफ रिहायशी हैं अमीर, इस तरफ रिहायशी हैं गरीब। मतलब गरीब इन अ सेंस कंस्ट्रक्शन वाइज, अल्लाह ताला दिल से हर एक को अमीर रखे, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुरंगी के एरियाज़ मैंने कहा ज़रा आपको दिखाऊँ, और ये है इस तरीके से हम जा रहे हैं ये देखिए, देखा फ़र्क। और बीच में एक पट्टी जो है ना उसमें कभी आपको वो नज़र आएंगे नर्सरी जिसमें प्लांट्स मिलते हैं, कहीं आपको कचरे का ढेर भी नज़र आएगा। कचरे का ढेर बेसिकली हम लोग गलत हैं, हम लोग कचरा उठाने के लिए लोगों को बुलाते नहीं हैं, फैसिलिटी मौजूद होती है, हम 100-150 रुपये महीने का खर्च नहीं कर सकते, हमने वो कचरा लगा के लोगों के घर के आगे आग लगा देनी होती जैसे मेरे घर के आगे होता है। मैं घर पहुँच गई थी, अब मैं करने लगी हूँ लंच आज के दिन के लिए, इतनी टिक टुक काफ़ी है। ये मेरी जो पीनो ओंदा वाला, उसने ये पकौड़े बनाए हुए थे और मैं इसके ऊपर चटनी डाल के इमली की मिचल्स की खा रही हूँ। आप भी इंजॉय करें, गर्मियों में तो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करते हैं दही या इस तरह की चीज़ें, ज़्यादा हैवी चीज़ें मुझसे तो खाई भी नहीं जाती। ये हैवी नहीं है, बेसन हैवी नहीं होता, ये तवे पे बनाई जाती हैं, बिल्कुल डीप ऑयल में नहीं तली जाती हैं, इस वजह से मैं कहती हूँ ये ठीक है। पकौड़े जो होते हैं ना वो हैवी होते हैं। चलें मैं करूं लंच यहाँ पे, आप करें इंजॉय अपनी लाइफ में। बहुत सारी बातें हो गई, बता दी मैंने, अपडेट्स मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।